कंप्लीट ही नहीं हुआ। हाँ कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट एक्सक्रीशन पूरा होगा ना बच्चा, थोड़ी तबीयत सी खराब है, आज आराम से बात करेंगे, है ना। एक्सक्रीशन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सक्रीशन पूरा एक डेढ़ घंटे का टॉपिक थोड़ी ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल नहीं आज तो हम मतलब जो भी डाउट होंगे ना आप लोगों के, ठीक है सर, थोड़ा क्या कह रहे थे कि तबीयत खराब है। हाँ मतलब आज आराम से बात करेंगे, ठीक है दादा। सारे बच्चे आ गए? अभी तो नहीं आया सर, बहुत सारा भी रह रहे हैं काफी। ओके ओके आने दो, आने दो सबको, आने दो सर। अभी किसी नेटवर्क के थ्रू कोई बच्चा जो है ना यू टर्न मार के आ रहा होगा। हाँ सर, एक्सक्रीशन के बाद आप क्या पढ़ाओगे आज? जो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सर, एनवायरनमेंट पढ़ा देना, छोटा सा चैप्टर है सर। नो सर, कंट्रोल नहीं, जो जो हमारे फेस के हिसाब से होगा ना वैसे ही। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यस सर, बहुत मस्त चैप्टर है। सीबीएसई से तो पूरा ही हटा दिया सर वो चैप्टर। यस सर, सीबीएसई तो काट गया सर, पर अच्छा चैप्टर है। सीबीएसई ने तो 11th की फिजिक्स से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी हटा दिया है। चैप्टर दिया चैप्टर सीबीएसई तो सर कुछ भी कर रहा है, उन्होंने 10 प्लस 2 भी हटा दिया। आप लोगों के बर्डन कम कर रहा है वो। लेंगे सर, कुछ भी कम नहीं हुआ है बर्डन, 11 के बच्चों का तो बिल्कुल नहीं हुआ है सर जी। इस बार तो बोर्ड बोर्ड नहीं लग रहा। तो क्या लग रहा है फिर? चलो स्टार्ट करते हैं ना, टाइम हो गया हमारा तो। यस सर, यस सर। तो कहां तक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को? सर आपने बता दिया था सर। सर किडनी वाला तक हो गया। सर आदम किडनी का सर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज सर। यस सर, ये स्ट्रक्चर आपका। सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। देखो ये किडनी हमारी है ना। यस सर। किडनी की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम कैप्सूल, ठीक है। ये जो है ना, ये देखो किडनी जो है, जैसे ये किडनी है हमारी, है ना, किडनी है। किडनी की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैप्सूल, ठीक है। किडनी के दो पार्ट होते हैं, अंदर के दो रीजन होते हैं। एक होता है मेडुला, ठीक है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। क्या होता है? मेडुला एंड कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक है सर। ये जो सर जो मार्क डायग्राम है उसमें बता दो, थोड़ा क्लियरली पता चलेगा। देखो आप जो बना रहे हो उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जो ये वाला रीजन है, देखो दो ये दिखा रहा ना, ये ग्रीन कलर से दिखाता हूँ मैं, जो ये वाला बाहर वाला रीजन है, इतना रीजन, ठीक है, इतना रीजन उसको बोलते हैं हम कोर्टेक्स वाला रीजन है हमारे, ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है सर? ठीक है सर, ईयरफोन मतलब लगाएंगे, ठीक है सर। आपकी जो आउटर मोस्ट जो रीजन होता है ना, आउटर मोस्ट रीजन, ठीक है, उसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर मोस्ट रीजन होता है, अंदर की साइड वाला रीजन जितना भी होता है ना, यहाँ से लेके और अंदर तक जितना भी रीजन होगा उसको हम बोलेंगे मेडुला, ठीक है। तो किडनी के पास दो रीजन होते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं यहाँ से और इसे भी हटा देते हैं, ढंग से बताएंगे इसको, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो किडनी के पास दो रीजन होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, जो यहाँ तक रहता है, थोड़ा सा यहाँ तक, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। और इसके अंदर वाला रीजन जितना भी होगा, ये वाला रीजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेडुला, ठीक है जी। पहले नेमिंग क्लियर होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो डायग्राम बनाते चलो अपने साथी, बिल्कुल, है ना, जैसे मैंने बता रहा हूँ इसी तरीके से डायग्राम बनाते चलो, ठीक है। तो बाहर वाला जो रीजन होता है उसे कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो रीजन होता है उसे मेडुला बोलते हैं, ठीक है। मेडुला के अंदर
मेडुला के अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो होते हैं पिरामिड, ठीक है? क्या बोलते हैं पिरामिड्स, क्या बोलते हैं पिरामिड्स, ठीक है? इसका मतलब है कि जो मेडुला हमारा उसके पास क्या प्रेजेंट है, पिरामिड्स है हमारे, ये हो गए पिरामिड्स, ये हो गए पिरामिड्स, ठीक है? ये हो गए पिरामिड्स, ये पिरामिड्स हो गए, ठीक है? तो पिरामिड्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, ठीक है? तो तीन नेमिंग मैंने अभी बताई है। किडनी के पास दो रीजंस होते हैं, एक तो होता है आउटर मोस्ट रीजन जो बोलते हैं उसे बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो अंदर की साइड जो रीजन होगा उसे बोलेंगे मेडुला, ठीक है? दो रीजन क्लियर हो गए आपको? यस सर, ठीक है। और यस सर, सर पिरामिड वाला नहीं हुआ क्या चीज? पिरामिड वाला, हाँ पिरामिड, सिर्फ नेमिंग, अभी नेमिंग याद करनी है आपको, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, पहले नेमिंग हमको याद होनी चाहिए। आउटर मोस्ट कवरिंग जो किडनी की होती है वो कैप्सूल के नाम से होती है, ठीक है? कैप्सूल से नीचे जो रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और कॉर्टेक्स से नीचे वाला जो रीजन होता है उसको मेडुला बोलते हैं, ठीक है? तीन नेमिंग हो गई। उसके बाद जो मेडुला वाला जो रीजन होता है, जो ये जो रीजन है हमारा, ये जो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, ये है मेडुला, ठीक है? ये है मेडुला, ठीक है? तो मेडुला के पास क्या है, पिरामिड्स है, तो मेडुला के पास क्या है, पिरामिड्स बने हुए हैं मेडुला के अंदर, ठीक है? इतना समझ में आया? यस सर, ठीक है? हां जी सर। ये पिरामिड्स से, यस सर, ये इन पिरामिड से निकल लिए डक्ट्स, यहां से निकल लिए डक्ट्स, यहां से डक्ट्स निकल लिए, ठीक है? ये डक्ट्स एक बड़े बड़े कैलिक्स में खुल रही है, ठीक है? मतलब ये पिरामिड से जो डक्ट्स निकल रही है वो एक बड़े चैम्बर में खुल रही है, और जो बड़ा चैम्बर है वो एक किसमें खुल रहा है, क्या होता है ये, यूरेटर होता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि किडनी के पास आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे कैप्सूल बोलते हैं, उसके अंदर दो रीजन होते हैं, एक कॉर्टेक्स का और एक मेडुला का, ठीक है? मेडुला के पास क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड से निकलते क्या है, पाथवे निकलते हैं, जो एक बड़े पाथवे को कनेक्ट करता है, ठीक है? और वो जो बड़े पाथवे होता है वो यूरेटर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है? इतनी नेमिंग समझ में आई आपको? यस सर, ठीक है, यस सर, यस सर। तो अब हम बात कर रहे हैं कि किडनी, किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं ना, किडनी को हम क्या बोलते हैं, रीनल भी बोलते हैं, ठीक है? इसका मतलब आउटर मोस्ट जो रीजन हो गया वो क्या हो गया, रीनल कॉर्टेक्स हो गया। रीजन हो गया वो क्या हो गया, यस रीनल कॉर्टेक्स। सर जो एक बार फिर से बता दीजिए, जो पिरामिड से निकलता है यूरेटर से पहले उसे क्या कहते हैं, जो ब्रांच जो होता है, कैलिक्स, 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 ओके सर, हां ठीक है। मैंने अभी नेमिंग नहीं करी थी लेकिन मैं बता देता हूं, कैलिक्स बोलते हैं उनको, ठीक है? माइनर एंड मेजर कैलिक्स, जो पिरामिड से निकलती है उनको माइनर कैलिक्स बोलते हैं, जो ये चीज निकल रही है यहां से इसको हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ठीक है? और जो बड़े वाला चैम्बर मैंने बताया भी इसको बोल देंगे, जो माइनर कैलिक्स को कनेक्ट करता है एक ही में, उसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और जो मेजर कैलिक्स होता है वो फिर बाद में ज्वाइन करता है किसको, यूरेटर को, और यूरेटर बाद में किसको ज्वाइन करता है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, हाँ यूरिनरी ब्लैडर, यूबी को, है ना, यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या, यूरेथ्रा, सर यूरेथ्रा, ये हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, ठीक है? तो नेमिंग बड़ी सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा जो आउटर मोस्ट रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, अगर किडनी की बात कर रहे हैं तो हम इसको रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानेंगे, ठीक है? उसके अंदर वाला जो रीजन होता है उसको मेडुला बोलते हैं, लेकिन हम किडनी की बात करें तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, रीनल मेडुला हो जाएगा, ठीक है? और रीनल मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिरामिड्स, अगर किडनी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम रीनल पिरामिड्स बोल देंगे, ठीक है? और रीनल पिरामिड्स के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो पिरामिड्स के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स, क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम्स, हाँ, जहां से आर्टरीज एंड वेंस का वेंस जो होते हैं ना वो घूम के और ऊपर की साइड जाते हैं, ठीक है? जो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे आर्टरीज और वेन निकल रही है यहाँ पे, है ना, ठीक है? और जो जो पिरामिड के नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे माइनर कैलिक्स स्टार्ट होता है उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला, क्या बोलेंगे, रीनल पैपिला, बोलेंगे रीनल
पैपिला, ठीक है, नहीं समझ आया, पैपिला वाला नहीं आया। हाँ अभी बताता हूँ, आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा पिरामिड, यहाँ पे पिरामिड हो गया, ठीक है, ये पिरामिड हो गया, पिरामिड से निकल रहा है, पिरामिड से निकल रहे हैं कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ठीक है, ये माइनर कैलिक्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये माइनर कैलिक्स ज्वाइन कर रहे हैं बड़े वाले मेजर कैलिक्स को, ये हो गया मेजर कैलिक्स, एमसी का मतलब हो गया मेजर कैलिक्स, और ये हो गया माइनर, माइनर कैलिक्स, ठीक है, ये हमारा पिरामिड हो गया, पिरामिड, ठीक है, और पिरामिड के जो ये लोअर मोस्ट रीजन होता है उसको हम बोल रहे हैं रीनल पैपिला, क्या बोल रहे हैं इसको, रीनल पैपिला, और जो ये मेजर कैलिक्स है, मेजर जो कैलिक्स है, ये मेजर जो कैलिक्स है, एक बड़े वाले, एक मतलब बहुत सारे मेजर कैलिक्स होंगे ऐसे यहाँ पे साइडों में, और फिर ये एकदम से ये ओपन हो रहे हैं किसके अंदर, एक बड़े चैम्बर के अंदर, उस चैम्बर को हम बोलेंगे हाइलस, हाइलस, ठीक है, और हाइलस जो होता है वो अटैच रहता है किससे, यूरेटर से, ये यूरेटर हो गया। अब समझ में आई नेमिंग? यस सर। अब नेमिंग? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब मैं इसमें, यस सर, अब मैं इसमें बता देता हूँ, जो हमने डायग्राम है हमारे पास, अब मैं इसमें बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो रीजन, देखो सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, कैप्सूल, तो ये जो कैप्सूल होता है वो फाइब्रस का होता है, इसलिए हम इसको फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद फाइब्रस कैप्सूल के बाद अंदर वाला जो रीजन होगा उसको हम कोर्टेक्स बोलेंगे, लेकिन किडनी पड़ जाए तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, रीनल कोर्टेक्स। उसके अंदर का जो रीजन होगा रीनल मेडुला, रीनल मेडुला के अंदर क्या होता है, रीनल पिरामिड होता है, रीनल पिरामिड के बिल्कुल कॉर्नर्स पे क्या होता है, बिल्कुल नीचे वाली साइड पे क्या होता है, रीनल पैपिला होता है, ठीक है, रीनल पैपिला, और दो पिरामिड्स के बीच में जो जंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम्स, ठीक है। आपको पता है कि जो पिरामिड से जो अराइज होता है, जो डक्ट्स अराइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो ये जो दिखाई दे रहा, ये तो रेड से हो गया, तो पता नहीं चलेगा, इसको दिखाते हैं ग्रीन से, दिखा ग्रीन से, इसको हल्के से ग्रीन से दिखाते हैं, जो ये आप देख रहे हो ना डक्टी वाली, जो ये वाली डक्ट देख रहे हो, ये वाली जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है अभी, ये वाली, ठीक है, ये भी कलर नहीं दिखाई दे रहा, तो कलर क्या दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, तो जो ये वाली आप डक्ट देख रहे हो, ये वाली कलेक्टिंग यस सर, ये हमारी है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स है, जो मैंने येलो से किया ना, ये छोटी छोटी सी, ये माइनर कैलिक्स है, ठीक है, ये माइनर कैलिक्स किसको अटैच कर रही है, मेजर कैलिक्स को, मेजर, ठीक है, तो ये जो इसके बाद जो ये वाला रीजन है, ये वाला ये है मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स, सारे मेजर कैलिक्स किसके पास फ्यूज हो रहे हैं, हाइलस के पास, किसके पास हो रहे हैं, हाइलम, हाइलम, हाइलस, हाइलम, हाइलम, और हाइलम जो होता है वो कहां से राइज हो रहा है, यूरेटर पे, ठीक है, ओके, नेमिंग समझ में आई, यस सर, यस सर, नेमिंग समझ में आ गया ना, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, इसको नोट करो सबसे पहले, इसको बनाओ डायग्राम को अच्छी तरह, ओके सर, बना लिया, सबने बना लिया, यस सर, यस सर, नो सर, अभी बस 2 मिनट, हाँ ठीक है जल्दी करो सर, बना लिया, तो नेमिंग याद करो, जिसके पास अभी मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो नेमिंग याद करो जल्दी जल्दी, बाहर वाले एरिया को बोलेंगे कैप्सूल, उसके अंदर जो रीजन होगा पहले वाला उसे कॉर्टेक्स, किडनी की बात कर रहे हैं तो रीनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर वाला रीजन जो होता है वो रीनल मेडुला होता है, जो रीनल मेडुला होता है उस पर प्रेजेंट रहते हैं पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड्स जो होते हैं उनके दोनों के बीच के गैप को बोलेंगे रीनल कॉलम्स, और पिरामिड के नीचे वाला जो एरिया होगा उसको बोलेंगे रीनल पैपिला, रीनल पैपिले से ही अराइज होते हैं माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से माइनर कैलिक्स, बहुत सारी माइनर कैलिक्स मिलकर फ्यूज होती है, बनाती है मेजर कैलिक्स, और बहुत सारे मेजर कैलिक्स फ्यूज होकर बनाते हैं हाइलम, और हाइलम से निकलता है यूरेटर, ठीक है, मतलब रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर, ठीक है सर, रीनल पेल्विस क्या होते हैं, ये जो मतलब जो हाइलम होता है, जो जंक्शन बना है हाइलम वाला, देखो जो ये जंक्शन बना रखा है ना, उन्होंने ये वाला जंक्शन, इसे हाइलम बोल रहे हैं, उसके बाद जो ये जो मोटे वाला जंक्शन है ये वाला, ठीक है, इसको हम रीनल पेल्विस बोल रहे हैं, पाथवे है ये, ठीक है, ओके सर,
ओके सर, मतलब जो हिलम है बस जंक्शन है एक। हाँ जंक्शन है ये, हाइलम एक जंक्शन है जहां से अराइज हो रहा है रीनल पेल्विस, और नीचे वाले उसको बोलेंगे यूरेटर। ठीक है सर, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन कहां से कनेक्टेड है? ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, कैसे बता दिया सर? रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में मैंने कल ही बता दिया था, इस वजह से मैंने नहीं बताया, कल बताया था। ठीक है तो मैं बता दूंगा, अभी दोबारा से बता दूंगा जब मैं आर्टरीज की बात करूंगा ना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, डोंट वरी। आपने नोट कर लिया ना ये? एक काम करो ना, सबसे पहले नेमिंग डाल देना कि सबसे बाहर एक नंबर पे ये होती है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे कोर्टेक्स होता है, फिर मेडुला, फिर ये होता है थर्ड पे, फिर इसके अंदर क्या होता है, रीनल पैपिला, रीनल पिरामिड होता है, उसके नीचे क्या होता है, ये पैपिला होता है पाँचवें पे, फिर उसके नीचे क्या होता है, छठे पे क्या होता है, माइनर कैलिक्स होता है, सातवें पे मेजर कैलिक्स होता है, फिर हाइलम, फिर क्या होता है, रीनल पेल्विस। ठीक है, नौवे पे फिर यूरेटर आता है, दसवें पे देन यूरिनरी ब्लैडर आता है, ग्यारहवें पे देन यूरिथ्रा आता है, बारहवें पे। ठीक है देखो, ये सीक्वेंस बन जाएगी आप लोगों के लिए, है ना? यस सर। ठीक है बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है तो अभी ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है ये वाला डायग्राम देखते हो, आपको पता है सबसे बाहर वाली जो लेयर थी हमारी उसका नाम क्या था? देखो, आउटर मोस्ट जो एरिया होगा उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, अंदर वाला जो एरिया होगा उसको मेडुला बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे, है ना? यस सर, सिंपल। अब सर कॉर्टेक्स को रीजन बिटवीन मेडुला और कैप्सूल भी कह सकते हैं ना? यस यस यस, कह सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, किसी भी मतलब आपको ना, मतलब बायोलॉजी के अंदर कोई भी अगर एरिया पूछा जाए, मान लो ये ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन हो गया, ये कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन कोई सा भी हो गया, ठीक है, आपसे पूछे आउटर मोस्ट जो रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, या तो पेरिफेरी बोलेंगे, या फिर इसको आप बोल सकते हो कॉर्टेक्स। ठीक है, और उसके बाद जो पूछेंगे सेंटर वाला जो रीजन होता है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मेडुला। हमेशा यही नेमिंग रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो अब मैंने आपको बताया था कि जो पिरामिड्स होते हैं, ये पिरामिड्स है हमारे, है ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे पिरामिड्स है, पिरामिड्स है। ठीक है, अगर किडनी के अंदर है तो रीनल बोल देंगे, रीनल पिरामिड्स है। ठीक है, इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स, कॉलम कॉलम कॉलम्स। ठीक है, और ये वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो ये वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ से अराइज हो रहा है, ये वाला। यस सर, सर माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स हो गया। ठीक है, माइनर कैलिक्स जो होगा वो बड़े वाले में ओपन होगा, है ना, बड़े वाले एरिया में ओपन होगा। मेजर कैलिक्स, ये दो बन गए, ये तीन बन गए, इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स, ये हो जाएंगे मेजर कैलिक्स। ठीक है, मेजर कैलिक्स के बाद आ जाएगा हाइलम, हाइलम 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 पेल्विस, पेल्विस। ठीक है, पेल्विस मतलब है लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, इस वजह से पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या चीज सर? रीनल पेल्विस सर, रीनल। देखो सिंपल सी बात है, देखो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो पिरामिड होता है, पिरामिड के लोअर पार्ट को हमको क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला। ठीक है, रीनल पैपिला से अराइज होते हैं माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स जो होते हैं ना, बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलके बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और बहुत सारे मेजर कैलिक्स मिलके बनाते हैं क्या बनाते हैं, हाइलम। इज द जंक्शन बिटवीन द रीनल पेल्विस, रीनल रीनल पेल्विस, एंड ये हमारा जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया। ठीक है, जंक्शन बिटवीन द मेजर मेजर कैलिक्स एंड रीनल पेल्विस, एंड रीनल पेल्विस फिर बाद में ज्वाइन करता है यूरेटर को। ठीक है, ये हमारा हो गया एक सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस पता लग गई? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो
अब yes, हमारा sir. अब देखो जो ये पिरामिड पे ये ब्लैक ब्लैक डॉट कर रखा ना, सर्कल बना रखा ये रेक्टेंगुलर है ना, yes, sir, है ना, जो ये ब्लैक ब्लैक में दिखा रखा है तो दिखा रखा है कि इस पिरामिड के अंदर एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, इस पिरामिड में एक्चुअली में होता क्या है, इस पिरामिड में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस पिरामिड में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास नेफ्रॉन. नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट. पिरामिड के अंदर क्या होता है पता लगा? यस सर, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, नेफ्रॉन इज द, यस सर, नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. फंक्शनल यूनिट सर, नेफ्रॉन ही वो पार्ट है जहां पे फिल्ट्रेशन का मेन प्रोसेस यूज होता है. फिल्ट्रेशन होता है, मेन काम जो होता है नेफ्रॉन ही करता है हमारा. ठीक है, इसलिए हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं. ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि इस पिरामिड को ऐसे करके दिखाया है कि भाई पिरामिड के अंदर ही पूरा पार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. ठीक है, देखो कैसे होता है ये. फिर मान लेते हैं कि कोर्टेक्स, जो ये कोर्टेक्स बना रखा है, कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ये, कोर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं हमारे क्या, ये वाला एरिया, जो जो ये एरिया ना, क्या नाम है इसका, बोमेंस कैप्सूल हो गया, ग्रोमेलुलस हो गया, ठीक है, पीसीटी हो गया, ये हमारे प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी प्रेजेंट रहते हैं ये रहते हैं कोर्टेक्स में. तो कोर्टेक्स से निकल के ये जाते हैं नीचे की साइड पिरामिड में. पिरामिड में नीचे जाके ये लूप्स ऑफ हेनल को अटैच करेंगे, फिर ये घूमेंगे. ठीक है, पीसीटी हो जाएगा, डीसीटी हो जाएगा, फिर ये बनाएंगे इस तरीके से. पीसीटी तो यही पार्ट होता है ना, प्रॉक्सिल, लूप ऑफ हेनल से पहले प्रॉक्सिमल, हां डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल हो गया. ठीक है, तो ये बनाएंगे फाइनली ये ऐसे, और जो ये कलेक्टिंग डक्ट्स बनाई है लास्ट में, ये ज्वाइन करती है किसको, माइनर कैलिक्स को. ठीक है, अभी आप यहां डायग्राम बनाओ जितना मैंने समझाया आप लोगों को, उसके बाद में आगे का फंक्शन बताता हूं मैं आपको. सर यस, मतलब जो नेफ्रॉन है सर, वो आधा कॉर्टेक्स में, मतलब उसका पहला वाला रीजन कॉर्टेक्स में, और सर एंड का रीजन मिडिल में होता है. मतलब जो लूप्स ऑफ हेनल होते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, वो नीचे की साइड है ना, वो थोड़ा घूम के कोइलिंग होती है उनकी, तो पिरामिड में एक्चुअली में वो चीज़ प्रेजेंट रहती है. क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है हमारी? लूप्स ऑफ हेनल हो गए, और आपका थोड़ा पार्ट पीसीटी का हो गया, थोड़ा पार्ट डीसीटी का हो गया, और कलेक्टिंग डक्ट तो पूरी की पूरी उसी के अंदर प्रेजेंट होती है. ये भी मैं डायग्राम, कितना लंबा होता है, हाँ ये भी मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा. मैंने एक और डायग्राम है मेरे पास इस चीज़ का, एक्चुअली में लोकेशन का है. अभी क्या है कि आपको मैं लोकेशन याद करा रहा हूँ, आपको अंदर की चीजें बता रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओ चीजों को लेकर. ठीक है, नेफ्रॉन पिरामिड में प्रेजेंट होता है? नहीं, पूरा पूरा नेफ्रॉन पिरामिड में प्रेजेंट नहीं होता, पूरा नेफ्रॉन नहीं होता. ठीक है, यस सर, ओके सर, ओके. बढ़े, आगे बढ़े. जितने भी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसको पूरे का पूरा अलग अलग डायग्राम बनाने हैं आपको, समझने के लिए अपने हिसाब से. सर हाँ सर, पहले कलेक्टिंग टिब्यूल आता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है. क्या चीज? सर जो डायग्राम बनाएंगे तो उसमें पहले कलेक्टिंग टिब्यूल आता है कि कलेक्टिंग डक्ट आता है? टिब्यूल देन डक्ट, मतलब दोनों आपस में अटैच रहते हैं. ठीक है, वो एक दूसरे के डक्ट्स में इमर्ज रहते हैं. मतलब डक्ट एक सिंगल होता है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल आ जाते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने नोट कराए. अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम दिखाऊंगा, आपको समझ में आता चला जाएगा. ओके सर, यस सर, नोट हो गया सर, आप आगे कर सकते हैं. ठीक है, अच्छी बात है, नोट हो गया. देखो भाई, देखो अब देखो, ध्यान से देखना, ये डायग्राम आपको सब कुछ बता देगा. यहाँ पे ब्लैक पेन से लेते हैं. ठीक है, देखो ये जो एरिया है, जो ये रेड में दिखा रखा आपको, इतना जो एरिया, ये वाला ये हमारा है मेडुला. ठीक है जी, ये क्या है? मेडुला. ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है हमारा कोर्टेक्स. ठीक है, ये क्या है? कॉर्टेक्स. और तो मतलब सर पिरामिड सर थोड़े से कॉर्टेक्स में होते हैं और ज्यादा मेडुला में होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, फिर देखो उसके बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी? हमारी कैप्सूल. आगे समझ में आता जा रहा है?
सर तो कैसे जो पिरामिड का जो लास्ट लेयर होता है वही, मतलब सर अगर हम बड़े वाले छोटे वाले डायग्राम में देखें किडनी के, उसमें तो पिरामिड के बाहर भी बहुत सारा स्पेस है, उसके बाद एक लाइनिंग आ रही है। तो पिरामिड पिरामिड नहीं है पूरा, ये पिरामिड से भी नीचे वाला रेड में जो दिखा रखा ना, ये पिरामिड है आपका। ओके सर, ओके ओके, ये ऊपर वाला, अच्छा समझ गया, ठीक है। ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, ये मेड्यूला है हमारा, ये बाहर वाली लेयर क्या हो गई, ये कैप्सूल हो गया हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ, ये रहा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है हमारा, ठीक है। कॉर्टेक्स में हमारा, कॉर्टेक्स में हमारा नेफ्रॉन स्टार्ट होता है, ठीक है। और देखो ये कलेक्टिंग हमारी डक्ट्स है, ठीक है, ये क्या हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स है, और यहाँ पे क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स अटैच्ड हो रही है इन पे, ठीक है जी। यस सर, ठीक है। यस सर, तो अब इनकी नेमिंग देखते हैं। यस सर, देखो इसको बोलते हैं रीनल, इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पुलस, ये रहा हमारा रीनल, इस पेन से नहीं दिखाते हैं, किसी और से दिखाते हैं, से दिखाएंगे, ठीक है। देखो आप चाहे तो उसको बोमेंस कैप्सूल बोल सकते हो, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है ना, ये क्या है हमारा। यस सर, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस भी है, ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल है हमारा, ठीक है। और आपको पता है ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर की साइड देखेंगे तो हमारा क्या प्रेजेंट होगा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये रहा ग्लोमेरुलस हमारा, ये रहा ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। मतलब अंदर की साइड देखेंगे तो ग्लोमेरुलस दिखाई देगा, बाहर की साइड देखेंगे तो बोमेंस कैप्सूल दिखाई देगा, ठीक है जी। यस सर, बोमेंस कैप्सूल के नीचे से अराइज होता है क्या, पीसीटी, देखो ये रहा पीसीटी हमारा, पीसीटी, ठीक है। पीसीटी के नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो लूप्स ऑफ हेनल दिखाई देंगे आपको, ये जो एरिया, ये वाला, ये क्या हमारा लूप्स ऑफ हेनल्स है हमारा ये, ठीक है। ये नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग है, ऊपर जा रहा है तो क्या है, असेंडिंग, यस सर, ठीक है। यस सर, फिर लूप्स ऑफ हेनल्स के लास्ट में जब अराइज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीसीटी, ये रहा हमारा डीसीटी ऊपर की साइड, ठीक है भाई। भाई लोकेशन डायग्राम समझ में आ रहा है ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। फिर डीसीटी से अराइज होते हैं हमारे ये वाला चीज, ये चीज, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, सीडी का मतलब क्या, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के नीचे वाला जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे पेपिलरी डक्ट, क्या बोलेंगे, पेपिलरी डक्ट, पेपिलरी डक्ट्स के आगे जो भी ये दोनों आपस में ज्वाइन करे इस वाले एरिया को बोलेंगे रीनल पेपिला। मैंने बताया था ना रीनल पेपिला जो था हमारा नीचे वाला एरिया था। यस सर, ये हमारा क्या, यस सर, ये हमारा क्या है, ठीक है जी। यस सर, यस सर, ये हो गया हमारा रीनल पेपिला। अब देखो इसमें आपको छेद छेद से दिखाई दे रहा हूं, ये गोल गोल छेद से दिखाई दे रहा हूं आपको, है ना सर, ये रे, यस सर, यस सर, ये सीधा कहां पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं माइनर कैलिक्स पे, ये माइनर कैलिक्स यहां से अराइज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। माइनर कैलिक्स के बाद आ जाएगा मेजर कैलिक्स, ठीक है। मेजर कैलिक्स के बाद आ जाएगा हाइलम, हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द मेजर कैलिक्स एंड रीनल रीनल पेल्विस, है ना। यस सर, फिर रीनल पेल्विस के बाद क्या आएगा, ये पता लग रहा है ना लोकेशन, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, मजा नहीं आ रहा सर। यस सर, यस सर, आ रहा। इसको भी, इस डायग्राम को भी अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करो, थोड़ा टाइम लो, 5 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेमिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है सर, वही बना रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर ले, ऐसे ही बनाना जैसे इसमें समझा रखा है, कौन सी चीज कहाँ पे आती है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या आता है और मेडुला के अंदर क्या आता है, आपके अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। सर, ये तो नहीं लिखे ना, क्या चीज सर, ये तो नहीं लिखे ना, थिन डिसेंडिंग लिम या थिक डिसेंडिंग, सिंपल डिसेंडिंग लिम लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, लेकिन लिख लेना अगर डायग्राम में मेंशन किया ना यहाँ पे, आप लोगों के लिए अच्छा होगा।
ओके सर, समझने के लिए अच्छा हुआ है ना। चलिए एक बार जो ऊपर वाला नेफ्रॉन का डायग्राम था वो दिखा दो। ऊपर वाला नेफ्रॉन का डायग्राम मेरा सर, एक्सक्यूज मी सर, एक वैभव वैभव करके एक बच्चा, वो हमारे बैच का नहीं है, वो रोज आ जाता है यहाँ पे। तो एकेडमिक वालों से बोलो, अभी सुन रहे होंगे आपकी आवाज। कोई है एकेडमिक से, है कोई? हेलो एकेडमिक, अरे एकेडमिक से है क्या कोई? कोई नहीं, जब आएगा तो देखते हैं, है ना? आप नोट करो सर। हाँ सर, मेडुलरी पिरामिड के ऊपर सर कोई लेयर तो होती होगी ना? क्या चीज़? मेडुलरी पिरामिड के ऊपर सर मेडुलरी पिरामिड लेयर्स नहीं होती, लेयर्स नहीं होती उसके ऊपर, ठीक है? मतलब सिर्फ वो खाली होते हैं, मतलब सीधा शुरुआत से नेफ्रॉन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ये एरिया डिवाइड हो रहे होते हैं। तो वो नीचे वाला डायग्राम दिखा दो, वो बना दो नीचे वाला डायग्राम। सर ये तो हो गया, ये तो सर पक्का बना लिया। ऊपर नीचे वाला दिखा दो। एक बच्चे ने बोला था ना इसको भी। चलो सर थोड़ा नीचे कर दो। डायग्राम अपने हिसाब से बनाना, जिससे आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है? मैंने आपके सामने सब कुछ लोकेशन वगैरह सब कुछ बता दिया है, बताना बाकी रह गया है तो इनका काम क्या होता है, कैसे ये फिल्टर करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ठीक है? मे बी डायग्राम आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। कैसा रहेगा? रहना भी चाहिए। सर ऊपर एक वर्ड के लिखा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ऐसा कुछ, ये रहने दो भी, ठीक है? सर तो मैंने कुछ पढ़ा था मैलफिजियन कैप्सूल करके, वो रेनल कॉर्पल को ही कहते हैं। मालफिजियन कैप्सूल बोलते हैं, बिल्कुल सर। तो वो किसको कहते हैं? ये जो एरिया होता है ना, जब ग्लोमेरुलस का वुमेन्स कैप्सूल का होता है, उस एरिया को बोलते हैं मालफिजियन कैप्सूल। ओके सर। और सर रेनल कॉर्पल भी इसे कहते हैं ना? क्या चीज? रेनल कॉर्पल, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो सर। रेनल कॉर्पल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी को बोलते हैं। कॉर्पल्स मतलब सेल्स, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ना। आगे चलिए। हाँ सर हो गया सर। नो दो मिनट।
सर डन सर डन सर डन सभी ने सर डन ठीक है अब आ जाओ मेन चीज के पास ठीक है देखो ये नेफ्रॉन है हमारा दोबारा से मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लिया है ठीक है नेफ्रॉन क्या होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ठीक है ये भी लाइन एक लिख लेना आप लोग फंक्शनल सर ये वाला डायग्राम भी बना ले यूनिट ऑफ देखो डायग्राम ही याद करो तो बेटर रहेगा आपको ठीक है सर वैसे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा नहीं लिखना है जो जो बताऊंगा सिर्फ वही लिखना है आप लोगों को ठीक है ठीक है जी ओके सर ओके देखो ये जो आपको पता है ये जो एरिया है हमारा ये वाला ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे ये एरिया कौन सा है हमारा वोमेंस कैप्सूल है ना यस सर वोमेंस कैप्सूल है हमारा ठीक है इसके अंदर क्या है हमारी मतलब कैपिलरीज प्रेजेंट है जैसे हम ग्लोमेरुलस वाला एरिया बोलते हैं ठीक है इसके अंदर ही है ना यस सर यस सर यस सर यस सर वोमेंस कैप्सूल होता है आगे जो निकलती है कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं प्रोक्सिमल पीसीटी है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ठीक है पीसीटी बोलते हैं उसके नीचे क्या होता है लूप्स ऑफ हैनल होता है ठीक है डिसेंडिंग देन असेंडिंग देन राइज होता है किस चीज का ये वाला एरिया इसको हम क्या बोलते हैं डीसीटी डिजिटल डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स उसके बाद देखो उसके बाद क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट्स होती है कलेक्टिंग डक्ट्स भी दिखा रखे हैं प्लस में आपको ट्यूब्यूल्स भी दिखा रखे हैं जो ये आपको ये ट्यूब्यूल्स दिखाए ना जैसे ये ट्यूब्यूल्स मैं मान के चल रहा हूँ समझाने के लिए ये ट्यूब्यूल्स जो है ये रे ट्यूब्यूल्स ठीक है ये रे ट्यूब्यूल्स ठीक है तो ये ज्वाइन करते हैं किसको कलेक्टिंग डक्ट्स को ये हमारे ट्यूब्यूल्स ये रे ट्यूब्यूल्स हमारे ठीक है इसको कौन ज्वाइन ज्वाइन करता है कलेक्टिंग डक्ट्स कलेक्टिंग डक्ट्स के नीचे क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट्स के नीचे क्या होता है सर माइनर कैलिक्स माइनर कैलिक्स माइनर कैलिक्स माइनर कैलिक्स होता है लेकिन उसके ऊपर हमने एक और नेमिंग पढ़ी थी ना हमने अभी रेनल पैपिला रेनल पैपिला बिल्कुल है ना नेमिंग हमको याद रखनी है हर हाल में ठीक है अब देखो देखो होता क्या है कि जैसे ये हमारा वोमेंस कैप्सूल है हमारा हम अपना डायग्राम बनाते हैं ठीक है ये हमारा क्या है वोमेंस कैप्सूल है हमारा ठीक है होता क्या है कि हमारे पास आया यहां से ये ठीक है ये इससे नहीं दिखाते तो कुछ ज्यादा ही हो गया इसको हटाते हैं यहाँ से सिंपल वे में दिखाते हैं आपको यहाँ से आया हमारे पास आर्टरी अरे अरे यहाँ से हमारे पास आया आर्टरी ठीक है क्या आर्टरी आई देन यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो गई कैपिलरीज ये हो गई कैपिलरीज फिर यहाँ से आर्टियोल्स और कैपिलरीज में कोई डिफरेंस है बिल्कुल है आर्टियोल्स कैपिलरीज का भी छोटा वाला पार्ट है नहीं है ये तो छोटा है इससे थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है ठीक है ये है हमारा आर्टरी ठीक है एक होता है जो ब्लड को लेके आता है वो होता है एफरेंट आर्टरियोल्स और जो बाहर निकल के लेके जाता है वो होता है इफरेंट आर्टरियोल्स ठीक है तो हम लिख सकते हैं हम एफरेंट आर्टरी या आर्टरियोल्स ठीक है और जो लेके टेक अवे फ्रॉम द वोमेंस कैप्सूल उसको बोलते हैं हम इफरेंट आर्टरियोल्स ठीक है तो यहाँ से ब्लड आएगा ठीक है यहाँ पे हमारे पास कैप्स यहाँ पे क्या ये है हमारा
कैपिलरीज, ठीक है, और यहां से ये ब्लड ऐसे जाएगा, चेंज नहीं होगा कलर, ठीक है, समझ गए ना आप कि यहां से ब्लड आ रहा है और यहां से ब्लड आ रहा है, ये आगे जा रहा है तेजी से, ये आगे जा रहा है तेजी से, ठीक है, यहां से जा रहा है, और आपको पता है जो भी इसके अंदर टॉक्सिक चीजें होगी वो यहां से फिल्टर आउट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है, नीचे चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा जैसे यूरिया नीचे चला जाएगा, ठीक है, साथ में वाटर, साथ में वाटर जाएगा, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर हमारा जाएगा, ठीक है, साथ में मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, साथ में मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, नहीं सेल्स वगैरह नहीं जा पाते, ठीक है, सेल्स वगैरह नहीं जाएंगे सर। ग्लूकोज के अलावा और कोई यूजफुल सब्सटेंस है जो लूज करता है ग्लूकोज और मिनरल्स के अलावा? आयंस वगैरह जो होते हैं ना वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं, ठीक है, मैं बताऊं धीरे धीरे बताऊं। अमीनो एसिड सर, जो फैट प्रोटीन्स और इन सब के जो प्रोटीन्स फिल्टर आउट नहीं होती है, प्रोटीन्स कभी भी फिल्टर आउट नहीं होगी अमीनो एसिड के फॉर्म। अगर अगर प्रोटीन्स फिल्टर आउट हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, हमें कोई डिजीज हो रखी है। अगर प्रोटीन भी फिल्टर हो रही है तो, अगर हमारे यूरिन में अगर यूरिया के साथ साथ कुछ और मतलब जो सर मैं उस समय की बात नहीं कर रहा, मैं इधर कह रहा हूँ वोमेंस कैप्सूल में जो फिल्टर होके निकल रहा है ग्लोमेरुलस से, जब उसमें अमीनो एसिड और फैटी एसिड ये सब जाते हैं? नहीं 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 जाते हैं, नहीं जाते, अमाइनो एसिड भी नहीं जाएगा, फैटी एसिड भी नहीं जाते, ग्लूकोज ही क्यों जाता है? अमाइनो अगर अमाइनो एसिड अगर अमाइनो एसिड तो वैसे तो ऐसे तो घूमते नहीं है ब्लड के अंदर, ठीक है, लेकिन अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, ठीक है, जैसे हमारे पास प्रोटीन कौन कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गई है, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गई है हमारे पास, ठीक है, ये फिल्टर आउट नहीं होती है। अगर ये फिल्टर आउट हो गई है इसका मतलब हमारी जो किडनी है वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है, मतलब हमें कोई डिसऑर्डर है, डिजीज है, हमें कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज भी इतनी मतलब अमाउंट में नहीं निकलता है, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, ये थोड़े बड़े लेवल की बातें हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लूकोज भी बहुत कम अमाउंट में होता है, क्योंकि ब्लड फिल्टर होता है ना, उसे पानी के साथ साथ ग्लूकोज भी फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है सर। ये जो है सर, ये मेम्ब्रेन की साइज पे डिपेंड करता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इस एरिया को लेके चलूँ, किस एरिया को, दूसरे की ओर से देखते हैं, अगर मैं सिर्फ इतने एरिया को लेके चलूँ, सिर्फ इतने एरिया को लेके चलूँ, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ये रेड कलर से मैंने ऐसे दिखा रखा है आपको, और ये मैंने दिखा रखा है रेड कलर से ऐसे, है ना, तो होता क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे से जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल्स, सेल्स बीच में सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट, पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है, जिसके थ्रू ये फिल्ट्रेशन का काम चलेगा, ठीक है, जिसके थ्रू ये फिल्ट्रेशन का काम चलेगा, ठीक है, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, तो अगर ये गैप ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है। अगर गैप इतना ही होता है जितना सी कि यहाँ से ये चीजें पास आउट हो सके, ये चीजें बाहर निकल सके, ठीक है, ये चीजें बाहर निकल सके, ठीक है जी, तो समझ में आया? तो सर ये जो फोटोसाइट सेल है सर, ये ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं आते? हाँ नहीं आते, ठीक है, तो सर बिल्कुल नहीं आया ये वाला सर फोटोसाइट सेल के जो सर आपने रेड कलर की सर रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दो सर, रिपीट देखो रिपीट में सर रिपीट कर दो। बात ये है कि ये जो रेड कलर में मैंने दिखा रखा है आपको, है ना, ये जो ब्लड वेसल्स दिखा रखी है, कैपिलरीज की दिखा रखी है, ये यहाँ पे कैपिलरीज है, ठीक है, और आउटर मोस्ट में ये जो है ये हमारा वोमेंस कैप्सूल है, इसके बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है पोडोसाइट सेल्स, ठीक है, और आपको पता है जो इसकी जो एपिथ जो ये लाइनिंग होती है सेल्स की, यहाँ पे एपिथीलियम की लाइनिंग होती है, आपको पता है इतना, है ना, एपिथीलियम प्रेजेंट होता है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ टिश्यू चैप्टर के अंदर,
यस सर किडनी में यस सर तो इजिली यहाँ से देखो आपको पता है कि अगर अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होनी है तो दो ही तरीके से हो सकती है ठीक है या तो डिफ्यूज हो जाए या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू बाहर निकल जाए ठीक है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू भी यहाँ से ये बाहर निकल आते हैं ठीक है क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन लो होती है बाहर की कंसंट्रेशन हाई होती है तो इसलिए ये पास आउट हो जाते हैं अंदर की साइड ठीक है और इतना ही गैप होता है जितना कि ये चीजें पास आउट हो सके जितना यूरिया निकल सके या मिनरल्स या फिर वाटर्स देखो मिनरल्स तो कोई चाहता नहीं कि मिनरल्स बाहर निकले ठीक है लेकिन इसके साथ साथ ये भी निकलते हैं ठीक है तो बाद में इनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के द्वारा ही अगर ये ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलते हैं तो ठीक है सर सर ऐसे तो सर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन भी सर वहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम सर तो सर प्रोटीन को भी निकल जाना चाहिए ना नहीं ना यहाँ पे गैप गैप नहीं होता ना यहाँ से कैसे निकलेंगे बताओ एपिथेलियल सेल से कैसे निकलेंगे या तो ये ओके सर या तो ये डैमेज हो जाए ठीक है अगर एपिथेलियल से भी निकल जाते हैं तो यहाँ पे गैप जंक्शन जो है ना दो सेल के बीच में जो गैप होता है इतना नहीं होता कि ये पास आउट हो सके ठीक है अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ पे अटक जाएंगे अगर यहाँ से भी निकल जाते हैं तो इसका मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है आपकी तो सर मतलब प्रोटीन रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकते फिर क्या चीज सर फिर प्रोटीन रीअब्सॉर्ब तो हो जाएंगे नहीं प्रोटीन कैसे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे प्रोटीन का साइज बड़ा भी तो होता है ठीक है बहुत सारे अमीनो एसिड्स से मिलके तो प्रोटीन बनता है मतलब फ्री हो सकता है फिर वापस हाँ हाँ ठीक है इतना समझ में आया आप लोगों के यस सर सर तो ये पोडोसाइट सेल्स का क्या फंक्शन है पोडोसाइट सेल का फंक्शन तो यही है कि जो ये पास करवाने में हेल्प करते हैं वाटर को यूरिया को मिनरल्स जो होते हैं जो वाटर के साथ मिनरल्स भी आ जाते हैं आयंस भी आ जाते हैं हमारे ग्लूकोज भी निकल जाते हैं तो उनको पास आउट कराने में हेल्प करते हैं ठीक है बड़ी बड़ी चीजों को रोक देते हैं जैसे प्रोटीन हो गया या और भी बहुत कुछ चीज हो गई है ना इनको रोक दिया जाता है ठीक है तो सेल्स है अपना फंक्शन निभा रही है ना आगे बढ़ते हैं एक ही चीज पे नहीं रुकते हैं ठीक है देखो उसके बाद है डीसीटी वो पीसीटी हमारी ठीक है ये पीसीटी हमारी ठीक है देखो इसमें दिखा भी रखा है चलो ये रहने दो ये डायग्राम मत करना क्योंकि थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए तो ये डायग्राम रहने देना ठीक है उसके बाद है पीसीटी ठीक है पीसीटी ठीक है ये हमारा हो गया ल्यूमन जहाँ से यूरिया वगैरह फ्लो करेगा ठीक है ये ल्यूमन हो गया हमारा ये ल्यूमन हो गया ठीक है ये उसके न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है ठीक है ये माइक्रोविला ही होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए दोबारा से कोई चीज़ एब्जॉर्ब करना होता है ना तो ये हमारा जो ये जो मैंने अभी दिखाया है ये दिखाया है पीसीटी के बारे में ठीक है ये हमारा पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ठीक है उसके बाद बात करते हैं लूप्स ऑफ हेनल की ठीक है ये है डिसेंडिंग ऊपर जा रही है असेंडिंग ठीक है तो लूप्स ऑफ हेनल में क्या होगा देखो लूप्स ऑफ हेनल में क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दोबारा से पानी को एब्जॉर्ब कर ले जाता है ठीक है अगर मान लेते हैं एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है वो वोमेंस कैपसूल से फिल्टर होके पीसीटी में पहुंच जाता है ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है ठीक है तो किडनी क्या करती है कि अगर ज्यादा अमाउंट में पानी बाहर निकल आता है तो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है किडनी और कौन सा पार्ट किडनी का रीअब्सॉर्ब करता है डिसेंडिंग वाला कौन सा पार्ट करता है डिसेंडिंग कॉलम है ना साफ साफ लिखा है डिसेंडिंग वाला ये डिसेंडिंग वाला ठीक है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करता है डिसेंडिंग लिम्स मतलब डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनल ठीक है उसके बाद जो हमारे आयंस जो मिनरल्स बाहर निकल आते हैं इसमें क्या बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल के थ्रू तो वो भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगर ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है जैसे सोडियम हो गया क्लोराइड हो गया तो इसको कौन रीअब्जॉर्ब करेगा दोबारा से असेंडिंग लिम्स ठीक है तो लूप्स ऑफ हेनल का काम क्या होगा कि एक्सेस अमाउंट में अगर पानी बाहर निकल आता है तो उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है इसके द्वारा डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनल के द्वारा और जो सोडियम होते हैं जो क्लोराइड होते हैं उनका भी रीअब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है किसके द्वारा असेंडिंग ठीक है जी समझ में आया ना सर सर किडनी को कैसे पता चलता है कि सर बॉडी में वाटर ज्यादा हो गया कम ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है इनको ठीक है देखो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है जो इसके अंदर पास आउट हो सकती है या हो जाती है ठीक है मैं आपको वही बताऊंगा जिसको जितना आपके लिए मतलब जितना आपके लिए बेहतर हो
ठीक है, इसके बारे में अगर मैं डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा तो ये टॉपिक तो खत्म ही नहीं हो पाएगा एक एक चीज को लेके, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें होती है जिसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है दोबारा से इसके अंदर सिक्रीट होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो सिक्रीट होता है इसके अंदर भी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, वो आपके कोर्स में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए बेहतर हो और मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ओके यस सर, ओके सर। जो आपने बताया तो फिर से रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क एकदम खराब हो गया था, मैं कुछ भी सुना नहीं था। मैंने ये बताया है कि जो डिसेंडिंग लूप्स को फैला होता है उसमें दोबारा से पानी का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, मतलब बॉडी दोबारा से उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी। और जो असेंडिंग जो लूप्स को फैला है उसके अंदर सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें कि डीसीटी की बात करें, डीसीटी के अंदर होता क्या है, डीसीटी के अंदर क्या होता है, सिक्रीशन होता है। देखो सिक्रीशन भी लिख रखा है यहाँ पे, सिक्रीशन ऑफ आयंस एसिड्स ड्रग्स एंड टॉक्सिक चीजें, ठीक है। इसका मतलब है जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है उसके अंदर दोबारा से इन चीजों का सिक्रीशन हो जाता है, मतलब उसके अंदर डाल दिया जाता है किडनी के अंदर, मतलब जो ये है इसके अंदर को सिक्रीट कर दिया। सर नहीं आ रही आवाज, सर आवाज थोड़ी सी आपकी ब्रेक हो गई थी बीच में। हेलो, और सर आ रही है चीजें जो होती है सर, आ रही है वो रीअब्सॉर्ब, सर ब्रेक हो रही है आवाज, सर ब्रेक हो रही है, सर जैसी आवाज आ रही है, सर ब्रेक हो रही है। एक तो यहाँ पे भी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, यहाँ सर भी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, सोडियम का आयन सर आवाज सर समझ में नहीं आ रहा, आवाज बहुत कट रही है, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। देखो डीसीटी में होता क्या है, सिक्रीशन ऑफ आयन, सर यू नॉट ऑडिबल, हां सर नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल, सर यू आर नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही, निकाल दिया सर, भाई लेफ्ट आ रहा है कि सर ने लेफ्ट कर दिया, अबे यार वो पहले वाला जो सर पढ़ा रहे थे तुम लोगों को सुनाई दिया, हाँ भाई सुनाई दिया, हाँ भाई सुना, हाँ भाई अच्छा तो वो भी सुनाई नहीं दिया, बता तो दिया सर ने वो दूर पर फैन ले दोबारा, उसे बता दिया सर, हाँ फिर से बता दिया था, फिर से बता दिया, आवाज आ रही, हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही, हाँ आ रही है सर, आ गए भाई, गिटार जैसी आवाज आ रही है मुझे सबकी, मुझे तो आ रही है, ये सर आ रही है, अरे वो टर्न टर्न करके आती है, ये सर अब ठीक आ रही है आपके पास, ये सर अब ठीक है, सर आपकी ठीक आ रही है आवाज, सर नहीं आ रही मुझे, सर आप सर सुनाई नहीं दे रहा मुझे कुछ भी, नेटवर्क तेरे नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है, यस सर उनके नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है, देखो भाई देखो मैंने बताया सर, आप जो पीसी जो लूप्स है ना होता है उसका सर आपकी स्क्रीन भी विजिबल नहीं है, सर स्क्रीन विजिबल है, सर आप पढ़ाइए, सर यू आर नॉट ऑडिबल, सर ने फिर से सर चले गए वापस से, अच्छा सर क्लास में मजा ही नहीं आएगा सर बार बार, हेलो हेलो तो मेरी आवाज आ रही है, सब कुछ सारे बाउंसर निकल रहे हैं, भाई आ रही है स्वप्निल, थोड़ा
सर शायद है अभी, अब गए हैं। फेस टेस्ट की तैयारी सबकी पूरी हो गई है क्या तुम लोगों की? नहीं नहीं बाबा अभी कर रहे हैं, अभी चल रही है, अभी चल रही है बाबा। तो चाइना वाला चैप्टर क्लियर करना है अच्छे से। सर आ गए, सर आ गए हैं। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। अगेन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर विजिबल। यस सर। यस सर। यस सर। सर सीटी पे थे सर। सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है, पहले मुझे इतना बता दो। यस सर। अगर ऑडियो दिखाई दे रहा, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो संजय की आंखें मंगवा दो आप लोगों के लिए सर। अब तो सब विजिबल है सर। अब संजय की आंखें चाहिए आप लोगों को? सर अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा कोई रिक्वायरमेंट नहीं अभी। देखो भाई मैंने बताया था कि पीसी, देखो लूप्स ऑफ हैनल के अंदर दो चीजें याद रखो, रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एंड रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड क्लोराइड का, ठीक है? तो जो डिसेंडिंग वाला है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा और जो असेंडिंग वाला है वो आयंस को रीअब्जॉर्ब करेगा। आयंस कौन कौन से? सोडियम एंड क्लोराइड। अब बात करते हैं डीसीटी की। आवाज आ रही है ना? डीसीटी जो है उसके अंदर सिक्रीशन किस चीज का होता है? यस आयंस एसिड्स ड्रग्स एंड टॉक्सिंस। उसके अंदर सिक्रीशन किस चीज का होता है? उसके अंदर सिक्रीशन होता है आयंस का, एसिड्स का, ड्रग्स का, जो हम ड्रग्स एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर, टॉक्सिंस का। या कहां पे इसका सिक्रीशन चलेगा? इसका सिक्रीशन चलेगा डीसीटी के अंदर, ठीक है? और क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर? वाटर हो गया, सोडियम हो गया, वाटर, ठीक है जी, सोडियम यहां पे आके, इसलिए सर रीअब्जॉर्ब होता है क्या? ताकि सर ब्लड में नहीं मिक्स हो सकता? नहीं नहीं, ब्लड में ही तो रीअब्जॉर्ब होता है। आपको आपको अगर देखो आपने अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, बीच में भी है ना ब्लड वेसल्स। यस सर। यहाँ पे भी ऐसे ब्लड वेसल्स होती है, फैली रहती है, ऐसे होती है, ठीक है? कुछ कुछ ब्लड, दोनों ब्लड वेसल्स बनाऊ तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है? यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स रहती है, दोनों टाइप की ब्लड वेसल्स रहती है, आर्टरीज एंड वेन, ठीक है? आर्टरीज एंड वेन, ऐसे ऐसे, ठीक है जी? ये ब्लड वेसल्स रहती है, इनके थ्रू ही सिक्रीशन होता है, इनके थ्रू ही रीअब्जॉर्प्शन होता है दोबारा से ब्लड के अंदर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। यस सर। डीसीटी में सर वो सेक्रेट, सर डीसीटी में सर वो जो वो है सर वो कैसे सेक्रेट कर सकता है सर? क्या चीज सर? उसे तो ब्लड, सर ब्लड में तो सर आपने बताया था कि सर डीसीटी में सर ड्रग्स टॉक्सिंस ये सब सेक्रेट करता है सर। सेक्रीशन होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है? कोई एरिया हो जैसे ये जो लूप्स ऑफ हैनल है, ठीक है? ये क्या एरिया है? ये जो एरिया है ये थिन भी है, थिक भी है, ठीक है? यहाँ पे ये जो सेल्स है इनका ये रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन नहीं कर सकती, किसका? ड्रग्स वगैरह का, ठीक है? लेकिन जो डीसीटी वाला जो पार्ट है उसके अंदर इन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन चलता है, सिक्रीशन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस्ड होता है अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है? तो हार्मोनल कंट्रोल की वजह से यहाँ पे इन चीजों का सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है। ओके ओके सर। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में होता क्या है? वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर, ठीक है? वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है? मतलब कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है? किस किस का सिक्रीशन होता है? बाइकार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है? एंड रीअब्जॉर्प्शन भी चलता है वाटर का और अदर मिनरल्स का, ठीक है? वैसे मैक्सिमम जो चीजें होती है ना कलेक्टिंग डक्ट्स में सिर्फ वाटर का ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ वाटर का ही, ठीक है? अदर किसी चीज का नहीं होता है।
ठीक है। सिक्रीशन किस किस चीज का होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड बाइकार्बोनेट्स हो गए। ओके यस सर, कलेक्टिंग डक्ट के आसपास भी आर्टरीज और वेंस होते हैं जिनमें से सिक्रेट और अब्सॉर्ब होती है। पूरे नेफ्रॉन पे, ये पूरा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है ना पूरा, ये जो बोमेंस कैप्सूल से लेके और जो नीचे, yes, ये पूरा नेफ्रॉन ही तो है हमारा, है ना। तो इन yes, पूरे नेफ्रॉन्स पे नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का पूरे नेफ्रॉन पे। ओके यस सर, इसको नोट करो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो सर। एक बात पूछ ली सर। हाँ बिल्कुल सर, डीसीटी में सर सेक्रीशन, सर डीसीटी में सर सेक्रीशन तो हो रहा है, तो सर फिर हम कलेक्टिंग डक्ट में सर हम उसे रीअब्सॉर्ब क्यों कर रहे हैं सर, मतलब छोड़ने दो सर, फिर लिया क्यों सर वो द सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस का? देखो ये जो होता है ना वो ब्लड को, मतलब जैसे ब्लड होता है, मान लेते हैं ब्लड है, ब्लड मतलब पानी ज्यादा, मतलब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, पानी का लेके चलते हैं, फिर सोडियम का लेके चलेंगे, फिर बाकी चीजों को लेके चलेंगे। अगर मान लेते हैं ब्लड के, ब्लड में जो पानी था वो ज्यादा ज्यादा ही मतलब फिल्टर हो चुका है, मतलब ठीक है 90% पानी फिल्टर हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा थिक हो जाएगा, है ना। प्लाज्मा जो होगा, ब्लड प्लाज्मा जो होगा वो थिक हो जाएगा, है ना। थिक होने की वजह से क्या होगा, जो किडनी होगी वो दोबारा, जो नेफ्रॉन होगा वो दोबारा से पानी का रीअब्सॉर्प्शन कर लेंगे वहां से, जो पीसीटी हो गया या फिर ये लूप्स ऑफ हैनल हो गया, जो ये डीसीटी हो गया या फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है, मैक्सिमम पानी जो होता है ना वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे पानी को रीअब्सॉर्ब करेंगे फिर दोबारा से वो डाइल्यूट हो जाएगा पानी, ठीक है, मतलब जो ब्लड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, हमारा CO2 भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ब्लड को मेंटेन रखने के, ब्लड का जो पीएच होता है आपको पता है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है ना, तो उस पीएच को मेंटेन, उस पीएच को भी मेंटेन रखने के लिए जो होता है ना सिक्रीशन रीअब्सॉर्प्शन ये चलता रहता है, ठीक है, अल्टरनेट मैनर्स में, ठीक है। जैसे बाइकार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स की वजह से क्या होता है, क्या होता है बाइकार्बोनेट्स की वजह से ब्लड के अंदर सर, ये CO2 ट्रांसपोर्ट होता है ना, अगर ये ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो ये ज्यादा एसिडिक बना देगा, है ना, ज्यादा बना देगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसी वजह से जो ये नेफ्रॉन होता है उसके अंदर ये सिक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन चलता रहता है अल्टरनेट फेज में। ओके स्क्रीन छोटी कर दो जिससे पूरा डायग्राम दिख जाए, ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा। और दूसरा रीजन क्या होता है, देखो कोई जैसे मान लेते हैं कि जो डीसीटी के पास जो ब्लड वेसल्स है वहां पे अमाउंट ज्यादा है इन चीजों का, इसलिए सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उसके अंदर सोडियम का ज्यादा अमाउंट है, पोटेशियम का ज्यादा अमाउंट है, हाइड्रोजन का ज्यादा अमाउंट है, बाइकार्बोनेट्स का ज्यादा अमाउंट है, तो क्या होता है ज्यादा अमाउंट के होने की वजह से ये दोबारा से सिक्रीशन कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट्स के पास जो ब्लड वेसल्स है उनके पास में वहां पे ज्यादा अमाउंट में ये चीजें प्रेजेंट है, तो ये सिक्रीशन हो जाएगा उसके अंदर, है ना। यस सर, ठीक है सर, मतलब हाँ यस सर, स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दो जिससे पूरा डायग्राम दिख जाए। बड़े छोटी मत करो, देखो पूरा डायग्राम तो देखो ऐसे देख लो नीचे नीचे करके, कोशिश करता हूँ। चलो अभी जो सुनाई नहीं दिया मुझे, नहीं सर छोटी मत करो सर, फिर वो दिक्कत हो जाती है। हाँ कभी ये इससे भी जाए हम लोग, है ना, कभी इससे भी जाए हम लोग। नोट कर लो, नोट करो जल्दी फटाफट। ओके सर, डन डन सर, डन सर, डन सर, डन यस सर, डन सर, डन डन सर। ओके अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी की, ठीक है, इसकी बात करेंगे। आर्टिफिशियल किडनी, किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस, यस सर।
आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है सर। सर हीमोडायलिसिस भी कहते हैं ना? हाँ हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं उसको हम। यस हीमो डायलिसिस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो इसके अंदर होता क्या है, अगर कोई भी इंसान या पेशेंट होगा उसकी अगर किडनी खराब हो चुकी है दोनों की दोनों, तो अगर एक है तो वो फिर भी वर्किंग कर, मतलब वो चला सकता है, ठीक है। अगर उसके दोनों की दोनों किडनी खराब हो जाएगी तो फिर ब्लड को प्योरीफाई कौन करेगा? तो इसके लिए मतलब इसके लिए भी बहुत चीज़ें होती है जो इजाद की गई है, जैसे इसका नाम है डायलिसिस के थ्रू हम इसको दोबारा से प्योरीफाई कर सकते हैं ब्लड को। तो होता क्या, देखो जैसे ये कोई इंसान है, कौन है इंसान है सर, मनुष्य है ये, ठीक है। बना लेना एंड टू एंड, इसके कौन कौन देखो 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 एक मिनट, ठीक है। ये दो कंटेनर है हमारे पास, और इस कंटेनर के अंदर क्या है, प्रेस डायलेट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन, ठीक है। लाइक यूरिया हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट वगैरह, ठीक है, इसके अंदर वाटर वगैरह, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ होगा। देखो होता क्या है कि जब इंसान की किडनी खराब हो जाती है तो उसको बाहर से ही डायलिसिस के थ्रू ही, मतलब वो अपने आप को मेंटेन रख सकता है, अपना जो ब्लड होगा होता है उसको प्योरीफाई कर सकता है। तो होता क्या है कि आर्टरीज से हम ब्लड लेंगे, ठीक है, उसको हम डालेंगे सेलोफैन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, सेलोफैन, सेलोफैन, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो एक पाउच होता है हमारे पास, है ना, पाउच के अंदर ब्लड होता है हमारे, है ना, यस सर, यस सर, सेलोफैन का ही होता है। सेलोफैन इज लाइक अ कि उसको मतलब कि कंडीशन वैसे ही मिल रही है जैसे बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, उसी तरीके से, उसी तरीके की कंडीशन मिली है सेलोफैन के अंदर। तो होता क्या है कि यहाँ से जितना भी, यहाँ पे जितना भी हमारा सोल्यूशन होता है वो हम सब ऊपर भेजते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी नजर आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, यही वाला सॉल्यूशन, ठीक है। होता क्या है कि आप खुद ही सोचो इस बात को कि मान लेते हैं कि जो ब्लड आर्टरीज से हम ले रहे हैं, लेने के बाद वो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद
ब्लड का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा, किसको लेके, यूरिया को लेके, यूरिक एसिड को लेके, वाटर को लेके, या किसी भी आयंस को लेके, है ना, आयंस को लेके। तो जो कंसंट्रेशन हाई की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो होगा वो ट्रांसफर होके पहुंच जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ब्लड अपना भी प्यूरीफाई हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर ये पहुंचता रहेगा जो भी चीज एक्सेस अमाउंट में होगी, और फाइनली वो यहाँ से आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर आने के बाद क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये प्यूरीफाई होके आ गया यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्सेस अमाउंट में बहुत सारे आयंस निकल चुके हैं, तो यहाँ से हम जो हम ये देते हैं नया नया सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो यहाँ से दोबारा से ये उन आयंस को रीअब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन कर सकता है दोबारा से, और जो जो गंदा वाला जो जो भी हमारा वेस्ट होगा वो इस यहाँ के थ्रू हम इसको इस वाले कंटेनर में इसको फिल कर देंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। सर इसमें वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है क्या चीज? सर इसमें वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है? हाँ, मेंटेन करके रखा जाता है, अगर इसमें इसके अंदर मेंटेन रखा जाता है, मतलब जो भी है ये है तो ये मशीन ही, ठीक है, उसको इसमें कंसंट्रेशन सेम रहता है तो वो लूज ही नहीं करता, तो रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ हाँ, तो इसको सेट करके रखा जाता है इन चीजों को लेकर कि कितना अमाउंट जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर इतना रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता जितना किडनी में होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका डिफेक्ट तो यही है ना सर कि वाटर वेस्ट है ज्यादा, इसीलिए इसीलिए किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको उनको दो तीन दिन बाद या एक दिन बाद या फिर एक हफ्ते बाद ना जरूरत पड़ती है, और वो डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट को वो क्या 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 खा रहा है वो, ठीक है। ओके सर। ओके जी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमारा हो चुका है, तो मेरे ख्याल से चैप्टर यहाँ पे हेपरिन भी मिलाया जाता है। यस यस, हेपरिन इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये क्लॉट ना हो। हर कंडीशन वही दी जाती है जो मतलब एक ह्यूमन के अंदर कंडीशन होती है, इसी वजह से। सर अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ाएंगे? ये टॉपिक नहीं बेटा, क्योंकि हमारा ना फेस टेस्ट है 5 तारीख का फेस टेस्ट है ना हमारा। यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी क्या जो नेक्स्ट क्लास होगी मे बी कल मैं ले पाऊँ या नहीं ले पाऊँ उसका भी सस्पेंस हो रहा थोड़ा सा, तो अगर लूँगा तो मैं पूरे चैप्टर्स के डाउट्स लूँगा, जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उसको लिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो टेस्ट होगा वो 5 तारीख को है मे बी, है ना? यस सर। यस सर। आपको तैयारी करनी है लाइव प्रोसेस की, पूरे का पूरे चैप्टर की, है ना, बहुत ही अच्छे से। यस सर। जो भी मैं आज जाके जो भी एक्सक्रीशन के जो डीपीपी होंगे वो अपलोड करवा दूंगा आज मैं। Yes, और करवाने के बाद आपको क्या काम करना, अगर आपको डाउट्स भी होते हैं, ठीक है, मे बी मैं कल क्लास ना ले पाऊँ, तो अगर कोई भी डाउट होता है, में तो है। सर कल क्लास है ना, तबीयत भी मेरी थोड़ी खराब चल रही है, तो इस वजह से मुझे देखना पड़ेगा, है ना, ले लेना प्लीज। हाँ, मैं कोशिश पूरी करूँगा, अभी तो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मे बी ऐसा हो जाए, तो अगर ऐसा होता है कि मैं ना ले पाऊँ बाई चांस, तो आप ना मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं ऑन व्हाट्सअप, ठीक है। ओके सर। ये जो भी क्वेश्चन होगा मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके सर। यस सर। बॉडी से सर मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे बनता है सर? देखो, मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे बनता है, जैसे लीवर होता है, ठीक है, उसमें साइकिल्स वगैरह चलती रहती है, मतलब कोई चीज बनाने के लिए हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है, समझ रहे हो? यस सर। मतलब सर हर सेल करता होगा ना? नहीं, हर सेल नहीं करता, ये तो वही करेगा ना जिसके अंदर ये मतलब जो रिएक्शन चलती रहती है, जैसे मान लेते हैं कि लीवर की सेल है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, क्या होता है उनके अंदर जो साइकिल्स वगैरह है, जो यूरिया यूरिया जो बनता है वो लीवर के अंदर जो बनता है, यूरिया हो गया, yes, यूरिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है, ये वही फॉर्मेशन करता है। कुछ अमाउंट में हमारा अमोनिया भी होता है, तो किडनी की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि जो हमारा वेस्ट है अगर वो ना निकला जाए टाइम पे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर, तो इम्बैलेंस वो फैला सकता है। दो चार पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी, ये चीज लिख लो आप, ये आपके काम का है, यहाँ पे लिख लेते हैं मेजर फंक्शंस, ठीक है, किडनी के जो मेजर मेजर फंक्शंस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो किडनी है उसका काम क्या होता है, रिमूवल एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अरे किडनी के ना मेजर फंक्शन? यस यस, किडनी के ही है, ठीक है।
मेंटेन जो ये क्या करता है किडनी जो काम करवाता है वो क्या करवाता है रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ ब्लड, ये रेगुलेट करता है रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का पीछे पीएच भी मेंटेन करता है। आपको पता है जो ब्लड होता है पीएच क्या होता है उसका, नॉर्मल 7.35 7.3 8 7.45, ठीक है, ये भी मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, मेंटेन करके रखता है कांस्टेंट कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है इसका, मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट क्या होगा और क्या कर सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेटरी भी होता है, ठीक है, और भी बस यही मेन मेन फंक्शंस आपको चार पांच याद रख लेना, जैसे पांच को हम लिख सकते हैं हीमोस्टेसिस को भी मेंटेन करता है ना सर, मेंटेनिंग और रेगुलेशन क्या होता है, हां मतलब बॉडी टेंपरेचर को भी मेंटेन कर, बॉडी टेंपरेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है, अगर पीएच मेंटेन करेगा तो बॉडी टेंपरेचर अपना भी मेंटेन हो सकता, मतलब हो जाता है, ठीक है जी सर, यस सर, सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का, हाँ ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन का प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है, ब्लड का भी अपना खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है, जो जो क्रिएट होता है मतलब मान लेते हैं जो आसपास की जो सेल्स होती है, ठीक है, जो ब्लड की सेल्स होती है, मान लो कि कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है तो उससे क्या होगा कि कुछ भी मतलब कि वहाँ पे फ्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है ये किडनी, तो सर सर ऑस्मो रेगुलेटरी की जगह हम तो थ्री और फर्स्ट पॉइंट लिखे सर, चल सकता है ना क्योंकि सर उसका मतलब तो यही है, बिल्कुल बिल्कुल ओके सर, ठीक है सर, और सर एक बार ऊपर कर दो सर, यस सर, यूरोक्रोम क्या होता है, यूरोक्रोम यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जो येलो कलर देता है यूरिन में, वो हीमोग्लोबिन के कुछ ब्रेकडाउन होता है, ये सर हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से होता है वो, हाँ क्या चीज सर, वो यूरोक्रोम के बारे में पूछा था जो पीले येलो ये कलर देता है, येलो पिगमेंट यूरोक्रोम से होता सर, ओके ओके सर, वैसे सही डेफिनेशन दिया ना भाई, येलो पिगमेंट ब्रेकडाउन जी, बिल्कुल सर, आज की पूरी क्लास से निकल गई, ठीक है बेटा, कोई डाउट्स हो तो बताओ सर, एस क्रिएटिव स्ट्रक्चर है सर मॉड्यूल में, क्या चीज सर, मॉड्यूल में देखा था सर, एस क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे सर, हां तो देखो ना ये पूरे का मैंने चार पांच आपको बना के दिखा दिया यहां पे, है ना सर, नेफ्रिडिया मेलफेजियन ट्यूब्स ये सब लिखे थे सर, ओके ओके, नेफ्रिडिया तो अर्थवर्म में होता है, यस सर, तो मैं ये भी चीज लिखवा दूं, अगर मेलफेजियन ट्यूब सर होता है इंसेक्ट में, ये भी लिख लो कि भाई जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, मेन बता देता हूँ जो पूछे जाते हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जैसे यूनिसेल्युलर के अंदर जो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म सिंपल डिफ्यूजन सराउंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, वो क्या काम करते हैं, सेल्युलर मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म आर डिफ्यूजेस, क्योंकि एक ही सेल होती है डिफ्यूज्ड, यस सर, इनटू द यस सर, मैंने तो कहीं पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पिछले साल पढ़ा था, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में आता है और वो सरफेस के आगे बर्स्ट होकर निकल जाता है, अमीबा के केस में वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलेट करता है, ठीक है, तो जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है आर डिफ्यूज्ड इनटू द सराउंडिंग, ठीक है, बाय द डिफ्यूजेस, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया अमीबा के अंदर, ठीक है, पैरामीशियम के अंदर हो गया, अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूँ, मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी बात करिए नेफ्रिडिया की, जो अर्थवर्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है, ठीक है, और जो प्लेनेरिया होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लेम सेल्स, ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो और नेफ्रॉन्स क्या काम करते हैं, यूरिया को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो और एक्वेटिक एनिमल्स में
एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं अमोनिया को, ठीक है, और अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए अमोनिया को, अगर अमोनिया कोई एनिमल कैरी करता है इसका मतलब वो पानी में ही रहता होगा, क्योंकि पानी में ही वो निकाल सकता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट को पानी की ज़रूरत पड़ती है इसको डिफ्यूज़ कराने के लिए, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। सर फिशेज में क्या होता है सर? देखो बर्ड्स में क्या होता है सर, यूरिक एसिड बताओ सर, यूरिक एसिड, हाँ मिक्स होता है, तो यूरिक एसिड होता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि एक दिन में कितना जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है? सर बता दो, 180 लीटर, 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 180 लीटर के आसपास जो होता है वो ब्लड जो होता है फिल्टर, देखो 180 टू 200 लीटर के आसपास जो होता है वो ब्लड जो होता है फिल्टर, देखो 180 तो एनसीईआरटी ने गिवन कर रखा है, ठीक है, 180 यस सर, हेमोडायलिसिस वाले में, हाँ हाँ, तो आपको 180 ही याद रखना, ठीक है, तो 180 जो होता है ब्लड इज फिल्टर्ड, ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी इन अ डे, ठीक है, ठीक है। और कितने टाइम्स बेटा, मैं इतना ही करा पाऊंगा आज, है ना, बाकी कल देखते हैं, वरना आप आपकी जो भी इंक्वायरी होगी मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेज देना, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड इवनिंग सर, सर गाइस, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल। तो नहीं कैसे हो गया, तो अच्छे वाले क्या।